हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट के एक सिंपल से मेथड की जो है यूनियन। तो अगर आपने मैथ पढ़ी है तो मैथ के अंदर आपने सेट पढ़े होंगे और सेट के अंदर ये सारे मेथड्स आपने वहां पर मैथमेटिकल टर्म्स में जरूर पढ़े होंगे। तो यूनियन में क्या होता है, आपके दो सेट गिवन होंगे, ठीक है, तो उन दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे यूनियन के अंदर वो सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वही होता है हमारा यूनियन। ये दो, ये एक सेट है, ये एक सेट है। यूनियन में मेथड की वजह से क्या होगा, एक नया सेट निकल कर आएगा जिसके अंदर इन दोनों के सारे सेट्स होंगे, सारे एलिमेंट्स होंगे, बट हाँ रिपीटेड एलिमेंट नहीं होगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा, आप देखिए यहाँ एक आइटम है राम, एक नेम है राम जो इसमें भी है इसमें भी है। अगर मैं यूनियन निकालूंगा तो यूनियन आइटम्स के अंदर एक ही राम आएगा, ऐसा नहीं है दोनों राम आ जाएंगे, राम एक ही आएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं याद दिलाऊंगा गाइस ये हमारे पाइथन कोर्स का 108 ट्यूटोरियल है। तो पिछली वीडियो में मैं काफी सारी चीजें कवर कर चुका हूँ, तो आपको वो देखनी चाहिए अगर आपको पाइथन कोर्स करना है तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाकर देख लेना। और इसके अलावा प्रोग्रामिंग और टेक में आपको इतना सा भी इंटरेस्ट हो ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारी वीडियोस आप देख पाओ सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर यूनियन मेथड की बात करना, टाइम वेस्ट करे हो, ठीक। तो यूनियन मेथड में क्या होगा, लिखने का सिंपल वही तरीका है, नेम जो हमारा पहला सेट का नाम है, नेम डॉट यूनियन, इतना लिखा और उसके अंदर नेम टू, नेम टू इतना लिखने के बाद में ये एक थर्ड सेट को रिटर्न करेगा। अब उस कंडीशन हम दो चीज कर सकते हैं, पहला तो यहां पर हम एक वेरिएबल बना सकते हैं और उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट जो भी कुछ रिटर्न कर रहा था उसे प्रिंट कर सकते हैं, यूनियन सेट यहां रन करें तो रन करने में आपको एक सेट मिलेगा जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे। ये देखो यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है, बट यहाँ आप देखोगे 5 एलिमेंट्स नेम में हैं और 3 एलिमेंट्स आपके नेम 2 में हैं। तो एक एलिमेंट कहाँ गया, यहाँ पर राम दो बार था तो इसमें एक बार ही आया है, देखो ये रहा यहाँ पर, ये रहा राम, ठीक है, तो यहाँ एक बार ही आया है, ठीक। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे प्रिंट कर सकते थे इसे, डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए हम इसे हटा देंगे और इसे हटाने के बाद में हमने जो थर्ड सेट आया था यूनियन का निकल का उसे हम डायरेक्ट यहां पर प्रिंट करा लेंगे, प्रिंट। अगर ऐसा करेंगे तब भी हमारा रिजल्ट बिल्कुल सेम रहेगा क्योंकि रिटर्न करी हुई चीज को हम दो तरह से हैंडल कर सकते हैं, पहला तो उसे किसी कंटेनर में स्टोर कर लें, दूसरा उसे डायरेक्टली प्रिंट कर दें। तो ये रहा रिजल्ट हमारा, अब भी सेम है। तो आपको अब भी लग रहा होगा कि एक काम करने के कई सारे मेथड्स हो सकते हैं, आपने हो सकता है किसी तरीके से कराओ कि कोई और अलग तरीके से करेगा, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रिंग के साथ वर्क करता है या इंट के साथ वर्क करता है। अगर यहाँ पर मैं कुछ और एग्जाम्पल लूँ, जैसे कि मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लूँ नम्स और उस नम्स के अंदर एक सेट बना दूँ, यहाँ लिखा सेट कंस्ट्रक्टर और यहाँ लिखा रेंज और 1 से लेकर हमारे 10 तक की सारे एलिमेंट्स इसमें सेव कर देता हूँ, तो ये रहा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो ये भी आपको मेरे प्लेलिस्ट के अंदर अच्छे से मैंने समझा रखा है, सेट कंस्ट्रक्टर के बारे में अलग वीडियो में बता रखा है और आपका रेंज फंक्शन इन सेट के बारे में शायद बता रखा हो या पिछली वीडियोज में रेंज के बारे में बता रखा है, ठीक। तो आप वहाँ से जाकर देख लेना, आपको ये सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। अगर मैं अब यहाँ क्या करूँ, जो मैं यूनियन कर रहा था नेम का और नेम टू का, अब यहाँ नेम टू की जगह मैं क्या कर दूँ, नम्स कर दूँ और मैं अब रन करूँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे ये, तो आप देखिए यहाँ पर अब इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स भी हैं और आपका स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट्स भी हैं। अब तक मैंने शायद आपको बूलियन की बात नहीं बताई, अगर मैं यहाँ पर बूलियन भी कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखने के बाद में मैं यहाँ क्या करूँ, ट्रू लिख दिया और कोमा 2.9, इस तरह से कोई इंटीजर भी लिख दिया,
अब मैं क्या करता हूँ, वापस अपने नेम टू को लगा देता हूँ। तो नेम टू, इतना करने के बाद में अगर मैं इसे अब रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखिए ये हमारा बूलियन टाइप का डेटा भी पर भी वर्क कर रहा है, आपके फ्लोट टाइप के डेटा पर भी वर्क कर रहा है, और इंटीजर के साथ मैंने भी दिखाई दिया था, और ये सारे स्ट्रिंग है। तो किसी भी टाइप का डेटा हो आपका यूनियन मेथड उस पर आराम से वर्क कर जाएगा। तो आपको मैथ में समझ आया हो या ना आया हो, बट यहाँ पर तो आपको यूनियन अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बताया। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना, एक कमेंट छोड़ देना ठीक, और जो भी क्वेरी आपको आ रही हो वो कमेंट जरूर कर देना ताकि मुझे मालूम पड़े कि आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो वीडियो से और वीडियो आपको पसंद भी आ रही है ठीक। आई होप गाइज कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ से उसे लाइक कर दो। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे प्लीज़ से सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।